बीते सोमवार को बिहार के जमुई रेलवे स्टेशन पे कुछ हंगामा इस कदर बरपा कि जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, उसके चेहरे पे मुस्कान भी आई और अंदर से गुस्सा भी आया, कोफ्त भी आया। मामला ही ऐसा दिलचस्प था। जमुई का विकास, जिसे किसी काम से कोलकाता जाना था, वो अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा जमुई रेलवे स्टेशन पे कर रहा था, तभी उसकी नजर अपने जीजे पे पड़ी जो किसी और महिला के साथ खड़ा मिला, और फिर क्या था, फिर हंगामा बरप गया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं विजय कुमार चौरसिया और आप देख रहे हैं स्टोरी विद विजय चौरसिया। आज मैं आपको ऐसा दिलचस्प वाक्य सुनाऊंगा जिसको सुनकर के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी और अंदर से गुस्सा भी आएगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्या। मामला है सुशील दास का। सुशील दास, जिसे छोटू भी कहते हैं, एक कलाकार है भाई। ऑर्केस्ट्रा में गाता है, बजाता है और लोगों को लुभाता है, लेकिन इसकी यही कला इसे एक नए मोड़ पे लाके, जीवन के एक नए मोड़ में लाके खड़ा कर दिया। कहानी बहुत दिलचस्प है। जब विकास ने अपने जीजे को किसी और महिला के साथ देखा, साथ में बच्चे भी थे, तो उसने अपने जीजा सुशील से पूछा कि जीजू ये कौन है। तो सुशील ने कहा कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। तो विकास ने कहा कि और मेरी दीदी को कब ले जाओगे। विकास ने कहा कि चलो आप घर चलो। तो सुशील ने कहा कि नहीं, मैं अभी घर नहीं जा सकता। फिर क्या था, विकास ने अपने परिजनों को सूचना दिया और उसके परिजन, उसकी दीदी, उसकी मंजू बहन सभी आ गए। मंजू सुशील की पत्नी थी, उसके भी दो बच्चे थे। उसने हंगामा किया और सुशील जाना नहीं चाह रहा था घर। अंततः लोगों के दबाव में उसे मलयपुर थाना ले जाया गया और मलयपुर थाना में जब राज खुला तो राज यूं खुला कि सुशील जहां भी जाता है, जहां भी ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम करने वो जाता है, जहां भी वो नाचने गाने जाता है, वहां वो एक नया विवाह कर लेता है। और विवाह ही नहीं करता, कुछ दिन उस महिला के साथ वो रहता है जिसे वो पत्नी बना करके विवाह करता है और उससे बच्चे भी पैदा करता है और फिर एक नए ठौर पे वो चला जाता है, फिर एक नई विवाह की तैयारी वो करने लगता है। हम आपको बता रहे हैं बरहट थाना क्षेत्र के जवातारी गांव के गणेश दास के पुत्र सुशील दास उर्फ छोटू के बारे में। सुशील दास छोटू एक अच्छा कलाकार है। वह देवघर के माँ शारदा ऑर्केस्ट्रा में गाता है, कार्यक्रम करता है और इन कार्यक्रमों में बहुत दूर दूर तक जाता है, दिल्ली तक भी जाता है। अच्छा गायक है, लेकिन उसकी एक बीमारी है। वो जहां भी जाता है एक नई शादी कर लेता है, और नई शादी सिर्फ नहीं करता, कुछ दिन रहता है, बच्चे पैदा करता है और फिर उसे छोड़ देता है। फिर वो दूसरे जगह जाता है और फिर यही वाक्य दोहराता है। किसी को अपने जीवन के बारे में बताता नहीं कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। और इस तरह से छोटू ने, सुशील दास ने 6 शादियां कर लिया। पुलिस जब मामले की तहकीकात में जुटी तो मामला यूं सामने आया कि वो जमुई के चिनबेरिया में, सुंदरटांड में और रांची में, देवघर में और मुंगेर के संग्रामपुर में और साथ में दिल्ली में भी अलग अलग जगहों में अलग अलग पत्नियां और अलग अलग बच्चे, छोटू ना हुआ छलिया हुआ। और सभी से वो ये बात करता है कि मैं कुंवारा हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, और सभी इसके गायन से प्रभावित हो जाते हैं। ये तो विकास था जिन्होंने अचानक से अपने जीजे को दूसरी महिला के साथ देखा तो उसे पकड़ करके वो अपना घर ले जाना चाहा, लेकिन वो गया नहीं, मलयपुर थाना गया। हालांकि पुलिस कहती है कि संबंध में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, चूंकि कोई आवेदन आया नहीं है, शायद ये लोग समझौता कर रहे हैं। लेकिन सुशील की जो पत्नी है मंजू, जिसे छोड़ करके वो भाग गया है, उसकी माँ केबिया देवी बताती है कि आज से 1.5 वर्ष पहले सुशील अपने बच्चे की दवा लाने के लिए साइकिल से निकला था और फिर नहीं आया। इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग पत्नियां हैं और अलग अलग बच्चे हैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी कोई आवेदन पुलिस को मिला नहीं है कोई आवेदन, और इसलिए पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन अपुष्ट खबरें ये आ रही है किसी छेड़खानी के मामले में भी
छोटू पर एफआईआर दर्ज है किसी और थाने पे, जिसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि चाहे आप कितने अच्छे कलाकार हो, चाहे आप कितने हैंडसम हो, चाहे आप कितने पैसे वाले, अगर आपका रास्ता यूं चला आया, अगर आप अलग अलग जीवन जीने का तरीका सीख लिया है, अगर आपने नई नई संगत करना सीख लिया है, अगर आपको रोज अपने जीवन संगिनी को बदलना है, तो आपका जीवन नरक हो जाएगा, आप खुशहाल नहीं रहेंगे। और यही काम छोटू ने किया है। बहरहाल अभी कोई कानूनी कार्रवाई की पुष्टि उस पर नहीं हुई है, लेकिन ऊपर वाला ऐसे लोगों को बख्शता नहीं है जिसकी 6 पत्नियां हो, 6 पत्नियों से अलग अलग किसी से 2 किसी से 4 बच्चे हो, तो आप समझो कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो सुशील का हाल क्या होगा और वो पत्नियां भी उसका क्या हाल करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भारतीय सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, कि हम एक बार विवाह के बंधन में बनते हैं और उसे जन्म भर निभाते हैं, मैं समझता हूं कि इससे अच्छी संस्कृति जीवन को, इससे अच्छा तरीका जीवन जीने का मैं समझता हूं कि किसी कोने में नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जो छोटू जैसे विचार रखते हैं, जो क्रियाकलाप जिसके होते हैं जीवन में, उसे कभी जीवन में सुकून नहीं मिल सकता, मेरा तो ये मानना है। चाहे आप कितना भी हैंडसम हो, चाहे आप कितना भी खूबसूरत हो, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, इसलिए आप जिसके साथ एक बार जीवन के डोर में बंध गए हैं, चाहे वो आप महिला हो चाहे पुरुष, आपको छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके ये ठान लेना चाहिए कि अब मेरी जीवन संगनी, अब मेरा हम सफर बस यही है और हमें इसी के साथ जीवन जीना है अंतिम दम तक। नमस्कार, मुझे आशा है कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी और जीवन में ऐसी स्टोरी इसलिए सुनना चाहिए कि हमारे पांव कभी डगमगाए नहीं। आज फिर कुछ लोगों के जन्मदिन के मैसेज आए हैं, मैं आपको बताता हूं। रामगढ़ से नादिया अख्तर, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देवघर से रमेश सिंह, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली से कोमल पल्लवी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इंदौर से लक्ष्मी देवी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अगर आपको भी लगता है कि आपके किसी प्रियजन का या आपका खुद का जन्मदिन हम ऐसे ही उद्घोषित करें अपने चैनल पे, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि यदि आपको हमारा चैनल जन की बात हमारे साथ अच्छा लगता होगा, तो आप इसे लाइक कर दें, इसको कमेंट करें, इसके ऊपर हमें सुझाव भेजें और इसे शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया।